हेलो, आई एम सदफ और आज की वीडियो में हम पर्स बनाना सीखेंगे। पर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट पैटर्न मेकिंग, सेकंड कटिंग और थर्ड स्टिचिंग। और हम इसमें कुछ कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, जैसे कि फर्स्ट हमारा कीवर्ड है पर्स, ये हमारा पर्स है, और ड्रॉ स्ट्रिंग, इसको ड्रॉ स्ट्रिंग कहते हैं। और यहाँ पर हमने इसमें डी रिंग का और स्विवल हुक का यूज़ किया है, मैग्नेट बटन है, मैग्नेट बटन, पॉकेट ओपनिंग, ये जो गैप है ओपनिंग है पॉकेट की, ये पॉकेट ओपनिंग है, पॉकेट बैग, ये हमने इसमें पॉकेट जो अटैच की है उसको पॉकेट बैग बोलेंगे। और उसके बाद लास्ट है हमारा फ्लैप। तो ये पार्ट जो पर्स के ऊपर ये आ रहा है ये फ्लैप कहलाएगा। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे पर्स के लिए। और पैटर्न ड्राफ्ट करने के लिए इसमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी हमें, तो इसके लिए हमें स्ट्रेट स्केल की ज़रूरत होगी, एल स्केल का हम यूज़ करेंगे, फ्रेंच कर्व का यूज़ करना है इसमें हमें, और मार्कर चाहिए पैटर्न ड्राफ्ट करने के लिए, एंड सबसे ज़रूरी हमारा मेजरिंग टेप। ये थे ये सारे जो टूल्स हैं, ये पैटर्न मेकिंग के लिए हमें ज़रूरत होगी इनकी। और कटिंग के लिए हम टेलर चौक का यूज़ करेंगे, और स्टिचिंग करते वक्त हमें थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो मैंने आपको कीवर्ड्स के वक्त डी रिंग, स्विवल हुक, इन सब कंट्रोल दिया, मैग्नेट बटन, तो ये सारे पार्ट्स हमारे पर्स को स्टिचिंग करते वक्त ज़रूरत होगी इनकी। तो ये था पर्स का इंट्रो। तो हम स्टार्ट करते हैं पर्स बनाना। पर्स के पैटर्न की ड्राफ्टिंग का डेमो देने जा रही हूँ मैं। तो सबसे पहले पैटर्न को स्ट्रेट कर लेंगे एल स्केल से। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट कर लिया है एल स्केल से। अब सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ए से बी। तो ए से बी जो हम ड्रॉ करेंगे मार्किंग, वो होगी लेंथ ऑफ फ्लैप प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ पर्स। तो लेंथ ऑफ फ्लैप है 2.5 इंच और लेंथ ऑफ पर्स है हमारे 5। तो 5 को हम 2 से इंटू कर देंगे तो 10 इंच हो जाएगा। और 10 इंच को लेंथ ऑफ फ्लैप यानी 2.5 उसमें हमें प्लस करना है, तो टोटल हो जाएगा 12.5 इंच। तो यहाँ ए से बी जो हम मार्क करेंगे वो 12.5 होगा। ए से बी 12.5 मार्क किया मैंने, जो लेंथ ऑफ फ्लैप प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ पर्स, 2 इंटू लेंथ ऑफ पर्स, लेंथ ऑफ पर्स 5 इंच, 5 को 2 से इंटू करेंगे तो 10 इंच, और उसमें हमें प्लस करना है 2.5 जो लेंथ ऑफ फ्लैप है, तो टोटल हो जाएगा 12.5। तो ए से बी 12.5 पे मैंने मार्किंग कर दी है। अब हमें ए बी पे ए सी मार्क करना है जो लेंथ ऑफ फ्लैप होगा। तो ए बी ये लाइन है हमारी, इस पर हमें सी मार्क करना है लेंथ ऑफ फ्लैप। तो लेंथ ऑफ फ्लैप है 2.5, तो यहाँ 2.5 पे मार्क करके इसको नाम देंगे सी। अब सी से डी मार्क करना है लेंथ ऑफ पर्स। तो यहाँ सी से अब जो लेंथ ऑफ पर्स है 5 इंच, वो अब हमें ए से नहीं लेना, सी से सी बी पे हमें मार्क करना है सी डी। तो सी से हम डी मार्क करेंगे 5 इंच पे लेंथ ऑफ पर्स, यहाँ डी। अब ये मार्किंग करने के बाद अब ए से ई, सी से एफ, डी से जी, बी से एच, यानी ए से ई, सी से एफ, डी से जी और बी से एच स्क्वायर आउट करेंगे विड्थ ऑफ पर्स। तो विड्थ ऑफ पर्स है 8 इंच, तो यहाँ पर हमें 8 इंच मार्क करना है 8 इंच, यहाँ से भी 8 इंच, डी से भी,
और हमें ये एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे कि यहाँ पर जितना हमने यहाँ पे 2.5 मार्क किया है तो यहाँ पर भी हमारा 2.5 ही आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर दोबारा यहाँ पर मार्किंग करके, ताकि जब हम स्क्वायर आउट करें तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। यहाँ से हम डी से भी देख लेंगे कितना है, तो डी से भी 5 इंच है, तो यहाँ पर भी हम 5 इंच पे मार्क कर देंगे। A2E, C2F, D2G, B2H। अब ये EFGH को रूलर से ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हमें AE पे I मार्क करना है AE को हाफ करके। तो AE है 8 इंच, उसका हम हाफ करेंगे तो 4 इंच होगा। ये 4 इंच पे मार्क किया और ये है I। अब I से J स्क्वायर आउट करना है 3.5 इंच, जो पॉकेट प्लेसमेंट है 3.5 इंच। इसको मैं स्क्वायर आउट कर देती हूँ। जे, अब ये सेंटर में मार्किंग है जे की। अब हमें यहाँ पे पॉकेट ओपनिंग की भी मार्किंग करनी है। जो पॉकेट ओपनिंग है हमारी वो 5 इंच है, तो जे से ये सेंटर है तो 2.5 इधर मार्किंग होगी और इतना ही 2.5 इधर। ये के होगा और ये एल होगा। तो यहाँ पर हम जो पॉकेट ओपनिंग है वो 5 इंच में मार्क करेंगे दोनों तरफ 2.5 2.5, ये के और ये एल। और इसको हम जॉइन कर देंगे। ये पॉकेट ओपनिंग के लिए यहाँ पर मार्किंग हो गई है। अब आई जे जो है उस पर हमें स्मॉल ए मार्क करना है बटन प्लेसमेंट के लिए। तो स्मॉल ए होगा मार्क 1 इंच पे और यहाँ पर हम लिख देंगे ए। तो ये जो मार्किंग की है ये बटन प्लेसमेंट के लिए है। इसमें मैग्नेट बटन लगेगा तो उसकी प्लेसमेंट 1 इंच नीचे होगी, इसके लिए ये मार्किंग की है। अब ये बटन प्लेसमेंट हो गया है। अब हमें ए ई पे एन मार्किंग करनी है। ये ए ई पे हम एन मार्किंग करेंगे 3/4 इंच पे। यहाँ से 3/4 इंच पे हम मार्किंग करेंगे जो होगा एन। और ए बी, यहाँ ए बी जो लाइन है उस पे हमें एम मार्क करना है, वो भी 3/4 इंच होगा। एम ए ई पे एन मार्क करेंगे 3/4 इंच, ए बी पे मार्क करेंगे एम 3/4 इंच। 3/4 इंच हमें इतना मार्क करना है। और सेम यही हम दूसरी तरफ भी करेंगे। तो ई ए जो लाइन है उस पर, अब ये ई से ए इधर आ रहा है, अभी ए से ई पे हमने मार्क किया था वही लाइन है, पर अब हम ई की तरफ से मार्किंग करेंगे। तो ई से हमें ओ मार्क करेंगे इस पर, 3/4 इंच ही होगा, सब पे 3/4 इंच मार्क करना है। ये ओ हो गया। अब ई एच जो लाइन है उस पर हम पी मार्क करेंगे, वो भी 3/4 इंच होगा, ये पी। तो यहाँ पर ये जो ए एन और ए एम मार्किंग हुई है, यहाँ से ई ओ ई पी, ये यहाँ पर हमें शेप बनानी है। इसके लिए 3/4 इंच की ये मार्किंग की है हमने। अब इसको हम फ्रेंच कर्व से ज्वाइन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें राउंड शेप चाहिए।
तो एन एम से एन को हम ज्वाइन कर देंगे। सेम ऐसे ही ओ से पी को। ये एम से एन ज्वाइन हो गया, ओ से पी ज्वाइन हो गया और ये हमारी शेप बन गई है, राउंड शेप। अब यहाँ तक ये फिनिश हो गया है। अब बस लास्ट स्टेप रहा है, हमें बी एच पे बटन प्लेसमेंट के लिए मार्किंग करनी है। तो बी एच को हम हाफ कर देंगे, तो बी एच कितना है, 8 इंच है, तो 8 इंच का हाफ होगा 4, तो 4 इंच पे मार्क कर दिया है। और यहाँ पर इसका होगा ये स्मॉल बी। अब यहाँ से हम 1 इंच ऊपर मार्क कर देंगे बटन प्लेसमेंट के लिए। और इसको ज्वाइन कर देंगे और ये सी। ये भी बटन प्लेसमेंट के लिए है क्योंकि ये जो बटन है यहीं पर आके अटैच होगा, तो इसके लिए यहाँ पर ये बटन प्लेसमेंट है 1 इंच पे। तो ये पैटर्न रेडी हो गया हमारा। अब इसमें हमें सीम अलाउंस ऐड करनी है और ग्रेन लाइन की मार्किंग करनी है। तो हम इस पर ग्रेन लाइन की मार्किंग कर लेते हैं। ये स्ट्रेट ग्रेन में कटिंग होगी। पे हम लिख देंगे पर्स। और कट टू। अब हम इसमें ऑल साइड हमें सीम अलाउंस ऐड करनी है। ये कट टू कटिंग होगा, इसमें कहीं ऑन फोल्ड नहीं है, तो इसमें मैं सीम अलाउंस ऐड कर देती हूँ 1/2 इंच का। इसमें मैंने सीम अलाउंस ऐड कर लिया है। अब मैं इसको कटिंग कर लूंगी। ये पर्स का पैटर्न रेडी हो गया है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पे शेप बनी हुई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग शेप में ही सीम अलाउंस ऐड करेंगे इस तरीके से। और ये पैटर्न रेडी हो गया है। अब हमें पैनल का पैटर्न रेडी करना है। पैनल के पैटर्न रेडी करने के लिए सबसे पहले पैटर्न पे स्ट्रेट लाइन की मार्किंग कर लेंगे एल स्केल की हेल्प से। उसके बाद हमें यहाँ यू से वी मार्क करना है, जो होगा 2 × लेंथ ऑफ पर्स। यानी लेंथ ऑफ पर्स है हमारा 5 इंच, उसको हम डबल कर देंगे तो 10 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 10 इंच में U से V। U से W को स्क्वायर आउट करेंगे और V से X स्क्वायर आउट करेंगे, जो विड्थ ऑफ पर्स होगा। तो विड्थ ऑफ पर्स है 8 इंच। यहाँ 8 इंच पे मार्क कर देंगे, ये होगा W और V से X 8 इंच पे। और यहाँ से भी हम देख लेंगे, U से भी 10 इंच था, तो W से X ऐसे ये भी 10 इंच होना चाहिए। ये होगा X और W से X को ज्वाइन कर देंगे रूलर से। ये पैनल का पैटर्न रेडी हो गया है। अब इसमें हमें ग्रेन लाइन की मार्किंग करनी है और ऑल साइड में सीम अलाउंस ऐड करना है। तो ये स्ट्रेट ग्रेन में कटिंग होगा, तो स्ट्रेट ग्रेन की मार्किंग कर देते हैं इस पर। पैनल और ये कटिंग होगा, कट टू।
ग्रेन लाइन की मार्किंग हो गई है। अब ऑल साइड में इसमें सीम अलाउंस ऐड करके इसको कटिंग कर लूँगी। पैनल का पैटर्न रेडी हो गया है, इसमें हाफ इंच का सीम अलाउंस ऐड किया है मैंने और ये पैटर्न रेडी हो चुका है। पॉकेट बैग का पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले हमें एल स्केल से स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेनी है पैटर्न पे। उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे क्यू से आर, लेंथ ऑफ पॉकेट बैग 4 इंच। क्यू से आर हमें मार्क करना है लेंथ ऑफ पॉकेट 4 इंच क्यू। अब क्यू से एस स्क्वायर आउट करेंगे, आर से टी स्क्वायर आउट करेंगे विड्थ ऑफ पॉकेट बैग। तो विड्थ ऑफ पॉकेट बैग है 5 इंच, यहाँ 5 इंच मार्क किया एस और यहाँ पर भी 5 इंच मार्क करेंगे। ये होगा टी। अब आर और टी को स्क्वायर आउट कर देंगे। क्यू से एस स्क्वायर आउट हो गया है और एस और टी को ज्वाइन कर देंगे। ये पॉकेट बैग का पैटर्न रेडी हो गया है। इसमें अब हम ये ऑन फोल्ड में कटिंग होगा तो इसमें ऑन फोल्ड की मार्किंग करनी है और ग्रेन लाइन की मार्किंग करेंगे। इस पे हमें लिखना है कट वन ऑन फोल्ड और स्ट्रेट ग्रेन में कटिंग होगी इस पॉकेट बैग की, तो ग्रेन की भी मार्किंग कर देंगे हम और इस पे लिख देंगे पॉकेट बैग। ये पैटर्न रेडी हो गया है। अब इसमें हमें सीम अलाउंस ऐड करना है, तो सीम अलाउंस यहाँ यहाँ और यहाँ ऐड होगा। यहाँ ऑन फोल्ड की मार्किंग है तो यहाँ सीम अलाउंस ऐड करने की जरूरत नहीं है। पॉकेट बैग का पैटर्न रेडी हो गया है और मैंने सीम अलाउंस ऐड कर दिया है। यहाँ ऑन फोल्ड है तो यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको कटिंग कर लूंगी। पॉकेट बैग का पैटर्न रेडी हो गया। मैं ड्रॉस्टिंग का पैटर्न बनाने जा रही हूँ, तो ड्रॉस्टिंग का पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेंगे एल स्केल से। उसके बाद हमें वाई से जेड मार्क करना है विड्थ ऑफ ड्रॉस्टिंग। तो वाई से जेड विड्थ ऑफ ड्रॉस्टिंग है 3/8 इंच, उसको हम डबल कर देंगे, 2 से इंटू करना है तो वो 3/4 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मार्क करती हूँ वाई से जेड 3/4 इंच वाई जेड, यानी यहाँ से यहाँ तक 3/4 इंच हुआ। वाई जेड की जो मेजरमेंट होगी वो 3/4 इंच होगी। अब वाई से ए स्क्वायर आउट करेंगे, तो वाई से ए स्क्वायर आउट करेंगे लेंथ ऑफ ड्रॉस्टिंग। तो लेंथ ऑफ ड्रॉस्टिंग है 13 इंच, तो 13 इंच पे मार्क करेंगे और जेड को हम बी से बी के स्क्वायर आउट करेंगे, वो भी 13 इंच पे होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है ए और यहाँ पर बी। और ए से बी को स्ट्रेट कर देंगे। तो ये ड्रॉस्टिंग का पैटर्न रेडी हो गया है। अब इसमें हमें ग्रेन लाइन की मार्किंग करनी है और सीम अलाउंस ऐड करना है। तो ग्रेन लाइन ये क्रॉस ग्रेन में कटिंग होगा, तो इस पर हम क्रॉस ग्रेन की मार्किंग कर देते हैं। और ये इस पर हम ड्रॉस्टिंग लिख देंगे। और कट वन,
ये ड्रॉस्ट्रिंग का पैटर्न रेडी हो गया है। ऑल साइड सीम अलाउंस ऐड करके कटिंग कर लिए इसको, ड्रॉस्ट्रिंग का पैटर्न रेडी हो गया। ये कट वन कटिंग होगा। अब हमें ड्रॉस्ट्रिंग लूप का पैटर्न बनाना है। तो ड्रॉस्ट्रिंग लूप का पैटर्न बनाने के लिए पैटर्न पे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की मार्किंग कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन हम हर पैटर्न पे करते हैं, तो ये चीज़ हमें फॉलो करते हुए चलना है। अब हमें यहाँ पे सी से डी मार्क करना है जो विड्थ ऑफ ड्रॉस्ट्रिंग लूप होगा। जो ड्रॉस्ट्रिंग लूप का विड्थ 3/8 है, यानी ये 1 इंच है, इसमें 8 पार्ट होते हैं, तो उसका 3rd पार्ट यानी ये 1 और ये 2 और ये 3, तो ये 3/8 हो गया। और इसको हमें डबल करना है, तो यानी यहाँ 3 यहाँ पे हुआ, ये 4 और ये 5 और ये 6, तो यानी ये 3/4 इंच हो गया। तो हम 3/8 को जब हम डबल कर देंगे तो ये हमारे पास जो मेजरमेंट आएगा वो 3/4 इंच आएगा। तो सी से डी जो हम मार्क करेंगे वो 3/4 इंच कर मार्क करेंगे, इतनी यानी कि इतना, यहाँ से यहाँ तक इतना। तो सी से डी मैं 3/4 इंच मार्क कर देती हूँ। और यहाँ पे हमें लिखना है सी और डी, और सी से ई को स्क्वायर आउट करेंगे और डी से एफ जो होगा लेंथ ऑफ ड्रॉस्टिंग लूप। तो लेंथ ऑफ ड्रॉस्टिंग लूप है 1.5 इंच। ये ई और ये एफ, अब हम इसको जॉइन कर देंगे। अब हमें इसमें ग्रेन लाइन की मार्किंग करनी है। ये क्रॉस ग्रेन में कटिंग होगा, तो इस पर हम क्रॉस ग्रेन में मार्किंग कर देंगे और इस पर हम लिखेंगे लूप, और ये कट 1 होगा। अब हम इसमें ऑल साइड सीम अलाउंस ऐड करके इसको कटिंग कर लेंगे। ये ड्रॉस्टिंग लूप का पैटर्न रेडी हो गया है।